आज के इस महाविद्यालयीन छात्रों के विकास वर्ग के इस प्रकट कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजीव टंडन जी, अपने इस मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक श्रीमान अशोक पांडे जी, भोपाल विभाग के माननीय विभाग संघचालक श्रीमान राजेश सेठी जी, इस कार्यकर्ता विकास वर्ग के वर्गाधिकारी के तौर पर हम सब लोगों के बीच तीन दिनों से रह रहे ऐसे आदरणीय डॉक्टर पवन पाठक जी, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनों तथा मध्य भारत प्रांत के भिन्न भिन्न जिलों से इस महाविद्यालयीन कार्यकर्ता विकास वर्ग में आए हुए स्वयंसेवक बंधुओं, आज का दिन एक विशेष दिन है। मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी है। आज ही के दिन लगभग 5000 साल से अधिक समय पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज गीता जयंती का दिन है और हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया में एक ग्रंथ जिनका दुनिया के सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, सर्वाधिक लोगों ने जिस पर टिप्पणियां लिखी है, व्याख्या लिखी, ऐसा वह भगवद गीता, उसकी गीता जयंती का दिन आज है। गीता के महत्व के बारे में अपने मनीषियों ने कहा है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्व। यदि सभी उपनिषदों को गाय मान लो, दुग्धा गोपाल नंदन दुहने वाला भगवान श्री कृष्ण हो और पार्थो वत्स बछड़ा अर्जुन हो, तो जो अमृत निकलेगा वह भगवत गीता है। ऐसे गीता जयंती के दिन आज ये महाविद्यालयीन छात्रों के विकास वर्ग का प्रकट कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को चलते हुए इस देश में 98 वर्ष हो गए। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम 1925 में शुरू हुआ था तो नो आरएसएस था, एनओ, आरएसएस नहीं, आरएसएस नहीं चाहिए, ऐसा समाज का वातावरण था। आज भी 98 वर्ष बाद भी नो आरएसएस है, लेकिन स्पेलिंग बदल गया है, के एन ओ डब्ल्यू, नो आरएसएस है। फ्रॉम नो टू नो, आरएसएस नहीं से आरएसएस को जानना है, आरएसएस को समझना है, ये 98 वर्षों की यात्रा का परिणाम है। आज जब देश भर में सोशल मीडिया का जमाना है तो अपने ज्वाइन आरएसएस नामक एक ऐप चलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें प्रति वर्ष 1.25 लाख से अधिक लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, आवेदन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर क्यों शुरू हुआ होगा? हम सब लोग रोज प्रार्थना में कहते हैं, परम वै भवन नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ हुआ है। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि सर्वांगीण उन्नति यानी क्या है, वो होगा यानी क्या होगा? तो अपने देश के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त वो कहते हैं, भारत
का गौरवशाली पल होगा तो कैसा होगा? तो कहते हैं भूलोक का गौरव। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है? हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, व्यापार की, व्यवहार की, आचार की, विज्ञान की, सब प्रकार के क्षेत्रों में दुनिया को दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ऐसा अपना परम प्रिय भारतवर्ष रहा है। वैसा भारत फिर से बनना चाहिए। इस सपने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 98 वर्षों से कार्यरत है। ऐसा कब बनेगा, कैसा बनेगा? तो हम सब जानते हैं, कोई भी राष्ट्र का निर्माण करना है तो कोई कल कारखाने या बहुत बड़ी जनसंख्या से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। तो राष्ट्र का निर्माण करना है तो कहते हैं मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र का निर्माण करना है तो मनुष्य का निर्माण करना पड़ेगा, और मनुष्य का निर्माण करना है तो उसके बारे में भी कहते हैं बी देन मेक। पहले खुद को बनना पड़ता है, तभी हम दूसरों को बना सकते हैं, तभी हम वैसा कर सकते हैं। इसलिए पहले खुद को बनना पड़ेगा। यदि राष्ट्र को निर्माण करना है, राष्ट्र बनाना है, तो हमको पहले राष्ट्र बनना पड़ेगा, पहले हमको भारत बनना पड़ेगा। इस देश के जितने भी महापुरुष हैं, चिंतक हैं, सबका निष्कर्ष एक है। चाहे पूज्य महात्मा गांधी हो, वो कहते हैं स्वराज्य टिकाऊ कब तक रहेगा? तो स्वराज्य तो मिल गया, लेकिन टिकाऊ कब रहेगा? जब बहुत बड़ी मात्रा में अपने स्वार्थों को छोड़कर समाज जीवन के अंदर काम करने वाले लोग खड़े होंगे। सुभाष बाबू का भी यही कथन है, चमत्कारी जन ऊर्जा को प्रवाहमान बनाकर उसको उचित दिशा देने वाले ऐसे प्रभावी जन संगठन चाहिए। सर मानवेंद्रनाथ राय का भी यही कहना है, समाज के सामान्य नागरिकों के सद्गुणों का स्तर जब तक के नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश खड़ा नहीं होगा, देश बड़ा नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, वर्गीस कुरियन हो, सबका निष्कर्ष एक है, सम ग्रेट पीपुल कैन नॉट मेक द नेशन ग्रेट, द ग्रेटनेस ऑफ कॉमन पीपुल ऑलवेज मेक द नेशन ग्रेट। सामान्य नागरिकों के श्रेष्ठ गुणों का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, और ये कौन करेगा? तो कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ठेका नहीं है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हम सबका है। लेकिन विशेष रूप से युवाओं की भूमिका सर्वाधिक है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो युवाओं का है। दुनिया का इतिहास देखेंगे तो यही ध्यान में आता है। भारत की स्वाधीनता के युद्ध में, स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक संघर्ष करने वाले कौन थे? युवा लोग थे। 1857 से लेकर 1947 तक, 1975 में आपातकाल लगा, देश में लोकतंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा करनी थी, तो कौन लोग थे? सब युवा लोग ही थे, जेलों में जाने वाले, संघर्ष करने वाले, जूझने वाले। युवा रिस्क लेता है, युवा चैलेंज को स्वीकार करता है, इसलिए युवाओं की भूमिका बहुत ज्यादा है राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन युवा केवल आयु से नहीं होता है। कोई 25 साल का है तो युवा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। युवा के लिए वास्तव में वैसा मन चाहिए, रिस्क लेने वाला, चैलेंज को स्वीकार करने वाला मन चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे 100 तरुण मिल जाए तो मैं भारत का मानचित्र बदल सकता हूं। लेकिन 100 तरुण कैसे चाहिए? जिसके अंदर प्रचंड देशभक्ति हो, निस्वार्थ वृत्ति हो, परिश्रम करने की उत्कट आकांक्षा हो, सब प्रकार से कष्टों को सहन करने का सामर्थ्य हो, ऐसे तरुण मिलेंगे तो भारत का मानचित्र बदल सकता है। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी ना हारा। एक निमिष की बात नहीं है, चिर संघर्ष हमारा। पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न उनके जाते, भर जाते हैं घाव, दाग पर सदा अमिट रह जाते। मृत में जीवन और जीवितों में ज्वाला सुलगाती,
भ्रष्ट भग्न माँ के मंदिर को पुनः पवित्र बनाती। इस प्रकार के चिंतन को लेकर खड़ा हुआ वह वास्तव में युवा होता है। ऐसे युवाओं की भूमिका सर्वाधिक है, उनका रोल जाता है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण करना है तो युवाओं को राष्ट्र को समझना भी पड़ेगा कि अपना राष्ट्र कैसा है। हम किसी मूर्ति को बनाने के लिए चले लेकिन मूर्ति किसकी बनाना है ये पता ही नहीं है, तो उसके स्थान पर कुछ दूसरा ही बन जाएगा। यदि हमको राष्ट्र का निर्माण करना है तो राष्ट्र को भी समझना पड़ेगा कि हमारा भारत राष्ट्र यानी क्या है। पहले एक पीलर्स चलता था, सर जमी पे हिंद में अकबा के आलम दे चिराग, काफिले आते गए हिंदुस्तान बसता गया। यानी हिंदुस्तान तो कभी राष्ट्र था नहीं, हिंदुस्तान एक राष्ट्र बन रहा है, ऐसी उस समय प्रचलित भ्रांत धारणाएं खड़ी की गई। लेकिन भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है। हमारे देश के बहुत बड़े श्रेष्ठ संत गुरु नानक देव जी मुगलों के अत्याचार से त्राही त्राही जनता भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं, भगवान आप प्रकट क्यों नहीं होते हो, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, आप कहां हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डरैया, ऐती मार पड़ी कुरला ने तय की दर्द नहीं है। गुरु नानक देव जी पंजाब के थे किंतु पंजाब की बात नहीं कही, उन्होंने हिंदुस्तान की बात कही। आसाम के अंदर श्रीमद शंकर देव थे, नामघर की स्थापना के सारे आसाम को जोड़ने के लिए। वो कहते हैं, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार असी महापुण्य राशि ही कदाचित मनुष्य होवे या भारतवर्षी देशे आसी। वो तो आसाम के थे, उन्होंने नहीं कहा कामरूप देशे आसी, उन्होंने भी कहा भारतवर्षी देशे आसी। वे भी मानते हैं भारत एक राष्ट्र है। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता होंगे, भाव भक्ति से विभोर जब गाते थे तो कहते थे, भरत खंड भूतल में जन में जिन्हें गुणगण गायो रे, धन धन एणी माता पिता ने धन धन एणी गायो रे। वे भी मानते हैं भारत एक राष्ट्र है। दक्षिण के अंदर डीएमके नामक एक राजनीतिक दल है, वो कहते हैं हम अलग विचार वाले हैं, हमारा तमिलनाडु अलग है, तमिल अलग है। लेकिन 1962 में जब युद्ध हुआ, 62 में चाइना ने हमला किया, तो अन्ना दुराई जो वहां के मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकार, वे कहते हैं हिमालय पर आक्रमण तमिलनाडु पर आक्रमण है, ये सहन नहीं किया जाएगा। खुला भाषण है उनका अन्नादुराई का, जो कहते थे तमिलनाडु अलग है, वो भी कहते हैं भारत एक राष्ट्र है, हिमालय पर आक्रमण यानी तमिलनाडु पर आक्रमण है। रजनीपाल में दत्त कम्युनिस्ट सिद्धांतकार, उन्होंने 1937 में किताब लिखी, बाद में 1972 में उसका रीप्रिंट हुआ, उसमें वो कहते हैं अंग्रेजों को कहते हैं ये मत समझो, ये अहंकार मत रखो कि हमने आकर भारत बनाया, हमारे कारण विकास हुआ, आप लोग नहीं भी आते तो भी वेदों के आधार पर हम भारत का विकास कर लेते, भारत को एक राष्ट्र के रूप में हम खड़ा कर लेते। इस प्रकार से कम्युनिस्ट सिद्धांतकार भी कहते हैं सब लोगों को, भारत के हरेक लोगों के यदि गहराई से विचार करने वाला है तो उसके सबको लगता है कि भारत एक राष्ट्र है, वो सनातन राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है। और उस राष्ट्र की पहचान क्या है, उस राष्ट्र की पहचान चाहे ना चाहे वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, उसकी पहचान हिंदू के नाते है। इस देश का इतना सा भी आदमी जानता है कि हिंदू राष्ट्र है। परम पूजनीय डॉक्टर जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, संघ के एक और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे डॉक्टर मुंजे, दाढ़ी रखते थे, तिलक लगाते थे, लगता है हिंदू, नहीं तो तिलक नहीं लगाते थे तो लोगों को धोखा भी होता था ये मुसलमान तो नहीं है। उन्हें डॉक्टर जी उनसे मिलने के लिए गए, उस जिस सीट में वो बैठे हुए थे वो प्रथम श्रेणी का था, पूजे डॉक्टर जी थोड़े निचले दर्जे के सीट पर थे, मिलने के लिए गए, इसी समय टिकट चेकर आ गया, टिकट चेकर ने टिकट पूछा, पूजे डॉक्टर जी के पास में तो दूसरी श्रेणी का टिकट था, उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे, तो डॉक्टर मुंजे ने कहा ये मेरे मित्र हैं, अभी वार्ता करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो अंतर है फेयर है उसका एक रसीद बना दीजिए, मैं पैसे देता हूं। बहुत ईमानदारी से उन्होंने बताया। टिकट चेकर थोड़ा बहस करने लगा, तो
डॉक्टर मुंजे ने कहा, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर अवर सर्वेंट। तो जो टिकट चेकर है टीटी है रेलवे का, वो कहता है दिस इज नॉट मुस्लिम कंट्री, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। एक टिकट चेकर जो है टीटी रेलवे का, वो तो कभी आरएसएस में नहीं गया, वो कभी विश्व हिंदू परिषद में नहीं गया, किंतु उसको सामने वाले डॉक्टर मुंजे को उस दिन तिलक नहीं लगाए थे, दाढ़ी केवल थी, तो उसको समझ करके मुसलमान ही होगा, इसलिए वो कहते हैं दिस इज नॉट मुस्लिम कंट्री, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। एक टिकट चेक करने वाले को भी समझ में आता है कि हिंदुओं का देश है। इस देश के जितने भी संस्थान है बड़े बड़े, सबके बोध वाक्यों का आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, सब में है एक ही बात ध्यान में आएगी। भारत का बोध वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत के अंदर लोकसभा है, उसका बोध वाक्य क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के अंदर राज्यसभा है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? सत्यम वद धर्मम चर। इस देश के अंदर डाक्टर विभाग है, उसका बोध वाक्य क्या है? हर निशम सेवा महे। आकाशवाणी है, उसका बोध वाक्य क्या है? बहुजन हिताय। दूरदर्शन है, उसका बोध वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, वहां ऊपर लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः। इस देश में 16,500 किलोमीटर जमीनी सीमा है, उसकी सुरक्षा के लिए थल सेना की व्यवस्था है, उसका बोध वाक्य है सेवा अस्माकम धर्मः। 9,700 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा है, उसकी सुरक्षा के लिए जल सेना है, उसका बोध वाक्य है सन्नो वरुणः। वायु मार्ग भी सुरक्षित रहना चाहिए, कोई हमला नहीं हो, इसलिए वायु सेना की व्यवस्था है, उसका बोध वाक्य है नभः सदृशं प्रदीप्तम्। इस देश के अंदर जीवन बीमा नामक एक कंपनी है, उसका बोध वाक्य है योग क्षेम वहाम्यहम्। शिक्षा को दिशा देने वाली NCERT, उसका बोध वाक्य है विद्याया अमृत मश्नुते। IAS IPS तैयार करने वाले देहरादून के अकेडमी, उसका बोध वाक्य योग कर्मसु कौशलम। इस देश के जितने भी ऐसे संस्थान है सबके, उसके बोध वाक्यों का गहराई से आप चिंतन करेंगे तो कोई बाइबिल में से नहीं है, कोई कुरान में से नहीं है, ये सब भारतीय वांग्मय में से है, चाहे वो उपनिषद में से हो, भगवद गीता में से हो, अथवा अन्य किसी शास्त्र में से हो, ये सब भारतीय वांग्मय में से है। ये बताता है भारत का विचार करना, भारत का चिंतन करना, यानी हिंदू का चिंतन करना, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं, ये हिंदू राष्ट्र तो है। भारत एक राष्ट्र है, सनातन पुरातन राष्ट्र, और ये हिंदू राष्ट्र, और इतना नहीं तो ये आध्यात्मिक राष्ट्र भी है। दुनिया के लोग आध्यात्मिक खोज में, आध्यात्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिए भारतवर्ष क्यों आते हैं? रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी श्वेतलाना प्रयाग के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर के रह रही थी। पत्रकारों को पता चला, लोगों को पता चला, तो उनसे मिलने के लिए गए, कहा श्वेतलाना जी आपके पास तो कार है, मोटर है, बंगला, नौकर चाकर, आप तो रूस के प्रसिद्ध तानाशाह स्टालिन की बेटी हो, फिर भी आप छोटी सी कुटिया में। श्वेतलाना जी का उत्तर था, हाँ मेरे पास कार है, मोटर, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ है, किंतु आत्मिक शांति नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है, मुझे इस छोटी सी कुटिया में रह करके आत्मिक सुख की प्राप्ति होती, आत्मिक शांति की प्राप्ति होती। सारी दुनिया में ऐसा देश कोई है तो केवल भारत है, आध्यात्मिक देश है। इसको समझ करके हमको राष्ट्र का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। राष्ट्र का निर्माण करना यानी अमेरिका नहीं बनाना, राष्ट्र का निर्माण करना यानी यूरोप नहीं बनाना है, राष्ट्र का निर्माण करना यानी भारत को भारत बनाना है। भारत को भारत बनाना है यानी ये आध्यात्मिक राष्ट्र है, विविधता में एकता, सर्वपंथ समादर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे सब श्रेष्ठ दार्शनिक मूल्यों को धरातल पर उतारने वाला यह देश बने, इस प्रकार का राष्ट्र हमको खड़ा करना है। और ऐसा राष्ट्र यदि हमको खड़ा करना है, ऐसा राष्ट्र बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम सब लोगों को, इस देश के सामान्य नागरिक, उसके अंदर राष्ट्र प्रथम का भाव लाना पड़ेगा। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि। हम लोग गीत की पंक्ति में कहते हैं, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह
राष्ट्र विजयी हो। राष्ट्रपति आए बिना देश का कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया के कोई भी राष्ट्र जो आगे बढ़े हैं उसके सब प्रकार से गहराई से चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा उन्होंने सामान्य नागरिकों को सबसे पहले देशभक्ति की शिक्षा दी, देश सर्वोपरि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो स्वयंसेवक देश भर में तैयार हुए उन सब के मन में देश प्रथम है का भाव। 1947 में पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हुआ, सीमा पर एक शहर छोटा सा कोटली नामक स्थान, वहां पर भारतीय सैनिक, वहां पर छोटी सी टुकड़ी, पाकिस्तानी कबाइलियों के द्वारा हमला होता था। भारतीय सैनिकों के पास असला खत्म हो गया, गोला बारूद खत्म, उसने सेना को संदेश भेजा हमारे पास सैन्य सामग्री खत्म हो गई, भेजो। हेलीकॉप्टर सैन्य सामग्री लेकर चला, गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से वो भारत की सीमा में न गिरकर पाकिस्तान की सीमा में गिर गया। क्या करें, जब तक वो सामग्री नहीं आएगी तब तक न सीमा की सुरक्षा हो सकती है न नगर की सुरक्षा हो सकती है। सेना का कमांडर सोचने लगा, ध्यान में आया इस समय कौन सहायता कर सकता है, तो समय संघ के स्वयंसेवक सहायता कर सकते हैं। सीधे संघ के कार्यालय में गया, वहां नगर कार्यवाह थे श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता। उनके सामने सेना के अधिकारी ने कहा, चंद्र प्रकाश जी, बोले देश के सामने एक बड़ा संकट है, सैन्य सामग्री तो आकर गिरी किंतु उसको लाना है, कुछ कार्यकर्ता चाहिए। कितने कार्यकर्ता चाहिए? उन्होंने कहा कम से कम 8 लोग चाहिए, एक एक पेटी एक एक लेकर के आएंगे तो 8 तो चाहिए, लेकिन जान जोखिम में डालकर जाने वाले ऐसे लोग चाहिए, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, एक तो मैं हूं, 7 को लेकर के आता हूं। सेना का कमांडर ऊपर से नीचे तक देखने लगा, ऐसे बोले जैसे जेब में है इसके कार्यकर्ता। चंद्र प्रकाश जी ने कहा चिंता मत करो, मैं 15 मिनट के अंदर आता हूं आपकी सेना की चौकी पर, पोस्ट पर। चंद्र प्रकाश जी गए शहर के अंदर, उन्होंने डेंजर कॉल किया, आकस्मिक आह्वान, खतरे का संकेत, एक 40-50 स्वयंसेवक इकट्ठे हो गए। चंद्र प्रकाश जी ने कहा देश को बलिदान देने वाले युवकों की आवश्यकता है, कौन कौन है जो बलिदान दे सकते हैं? सब लोग सामने आ गए। चंद्र प्रकाश जी के सामने समस्या थी, इसमें से 7 का चयन कैसे करें, हर एक से पूछताछ करके सबको वापस किया, सब नगर की सुरक्षा में लगो। 7 लोगों को लेकर स्वयं मिलाकर 8 सेना के पोस्ट की तरफ जाने लगे। एक स्वयंसेवक आया, वेद प्रकाश उसका नाम था, हाई स्कूल में पढ़ने वाला। चंद्र प्रकाश जी का हाथ पकड़कर कहता है भाई साहब मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता हूं। चंद्र प्रकाश जी ने कहा नहीं, 8 जाने थे, 8 पूरे हो गए, आप रुको, आप नगर की सुरक्षा में लगो। ठीक है आप कहते हो तो मैं रुकता हूं, लेकिन आज रात्रि का भोजन मैं आप सब लोगों के साथ में करूंगा। घर गया वेद प्रकाश, घर से माता जी से भोजन तैयार करवा करके संघ के कार्यालय में पहुंच गया। इधर चंद्र प्रकाश 7 कार्यकर्ताओं को लेकर के सेना के पोस्ट पर पहुंचे, उसको समझाया, नक्शा वगैरह बना करके बताया कैसे जाना कहां से जाना, रस्सी आदि आवश्यक सामग्री देकर घुटने के बल चले, पेट के बल चले, एक छोटी सी नदी उसको भी पार करना, जहां पर वो सामग्री रखी थी वहां पहुंच गए, उस पेटियों को पीठ से लादा, रस्सी से बांधा, वापस आने लगे। इतने में ऊपर कबाइलियों की दृष्टि चली गई, क्योंकि ऊपर बैठे थे, उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। मुश्किल से नदी पार किया और चंद्र प्रकाश गोली का शिकार हो जाता है, गोली लगती है, वो वहीं शहीद हो जाता है, उनका बलिदान हो जाता है। सोचने का समय नहीं, सबसे पहले सैन्य सामग्री को पहुंचाना आवश्यक था, सैन्य सामग्री पहुंचना चाहिए सेना के पोस्ट पर, सैन्य सामग्री पहुंचाई गई। उसके बाद में चंद्र प्रकाश को लेने के लिए फिर से आए कार्यकर्ता, उसको पीठ पर लाद करके ले जाने लगे, फिर से एक गोली आई, दूसरा कार्यकर्ता शहीद हो गया, उसको उठाए, फिर से एक चले, तीसरी गोली आई, तीसरा शहीद हो गया, फिर से उठाकर चले, एक चौथी गोली आई, चौथा कार्यकर्ता शहीद। एक एक कार्यकर्ता के पीठ पर एक एक स्वयं सेवक शहर के अंदर जब पहुंचे, जिन्होंने भी देखा सब ने अपने काम धंधे बंद करके उनके दर्शनों को उमड़ आए। मुझे ध्यान में आता है कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय भिलाई के अंदर स्वर्गीय कौशल यादव का पार्थिव देह आया था, लाखों लोग उनके दर्शन को उमड़ पड़े थे, शायद वैसा ही कुछ दृश्य रहा होगा। आसपास के गांव के लोग भी उमड़ आए थे देखने के लिए। ये जब समाचार मिला वेद प्रकाश को, जो भोजन की प्रतीक्षा में कार्यालय में था, उन्होंने जब देखा कि अब तो भोजन संभव नहीं, उसने रिवाल्वर उठाया, दाएं दाएं स्वयं पर गोली चलाया,
कार्यकर्ता जब दौड़े तो उसके मुंह से भी आखिरी शब्द थे, मैं भी मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता हूं, मुझे कौन रोक सकता है। तो भी बलि शहीद हो गया, बलिदान हो गया। ये एक घटना नहीं, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता देश को प्रथम मानकर देश के लिए जीवन समर्पित करने वाले ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ता तैयार किए इतने वर्षों में। केवल देश प्रथम इतने से नहीं होगा, तो अनुशासन भी चाहिए, उसके अंदर संवेदना भी चाहिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने का भाव भी चाहिए। अभी कोरोना के समय झारखंड प्रांत में एक बैठक ले रहा था, पलामू नामक स्थान है, वहां के एक उद्यमी ने कहा, भाई साहब अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रणाम करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ने कहा क्यों, क्या बात है? उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार दो लोग थाने में रहते थे, एक की आयु 85 वर्ष, दूसरे की आयु 79 वर्ष, पति पत्नी दोनों रहते थे, उनके एक बेटी मस्कट में विदेश में, बेटी और दामाद, एक बेटी और दामाद अहमदाबाद में। तबीयत खराब हो गई 85 वर्ष के वृद्ध सज्जन की, उसने सूचना की, टेलीफोन किया, लेकिन आने की स्थिति नहीं थी क्योंकि विमान बंद है, अहमदाबाद से जाना भी संभव नहीं क्योंकि ट्रेनें बंद है, कैसे जाएं। इतने में 2-3 दिन बाद उसका शरीर शांत हो गया। फिर से उसकी पत्नी 79 वर्षीय ने संदेश दिया अपने बेटे को, दामाद को, मस्कट वाले को, आसपास के लोगों के डर कि कहीं कोरोना से तो नहीं गया है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में मस्कट वाले उसके दामाद है, उसने संघ के कार्यालय को सूचित किया, वहां से सूचना पूना कार्यालय पहुंची, पीपीई किट पहुंच करके 8-10 कार्यकर्ता उस स्थान पर पहुंचे, जो 85 वर्ष के सज्जन थे, उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, अपना जान जोखिम में डालकर, और उस माता जी को जो 79 वर्ष की थी उनको अहमदाबाद छोड़ने की व्यवस्था की। ऐसे कोरोना के कालखंड में अपनी संवेदना के आधार पर समाज में अपनी चिंता ना करते हुए समाज का चिंतन किया, समाज की सेवा का काम किया, ऐसे लाखों ऐसे कार्यकर्ता देश भर के अंदर दिखाई दिए। ये संवेदना भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, छोटी छोटी बातों में समय पालन का अनुशासन चाहिए, और इतना ही नहीं तो श्रेष्ठ चरित्र से युक्त भी चाहिए। आज देश में पर कैपिटा इनकम की तो चर्चा होती है, पर कैपिटा इनकम की तरफ ध्यान भी है, हर एक का आर्थिक स्तर बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ पर कैपिटा करेक्टर की भी आवश्यकता है। पर कैपिटा इनकम से केवल नहीं चलेगा तो पर कैपिटा करेक्टर भी होगा, तब देश बड़ा होगा, तब देश खड़ा होगा। आज सबसे बड़ी समस्या है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, क्राइसिस ऑफ करेक्टर का प्रश्न है, क्राइसिस ऑफ कंसेंसस का प्रश्न है। सहमति नहीं बनती है, सब अलग अलग चलना चाहते हैं, मिलकर चलना, मिलकर काम करना, ये स्वभाव नहीं दिखता है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, एक परिवार के अंदर भी विश्वसनीयता थोड़ी कम होती भी दिखती है। ऐसे समय में हम सबको बहुत संयम पूर्वक मिल करके इन सब बातों को दूर करते हुए श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ऐसे तरुण, ऐसे युवा खड़े होंगे श्रेष्ठ गुणों से युक्त, जिसके अंदर श्रेष्ठ चरित्र हो, अनुशासन हो, समाज के दुख दर्द को दूर करने की संवेदना हो और राष्ट्र प्रथम है का भाव हो। ऐसे तरुण यदि खड़े होंगे देश के अंदर तो इसमें से देश खड़ा होगा, इसमें से देश बड़ा होगा। आज आवश्यकता है, राष्ट्र का निर्माण करना है तो तरुणों की भूमिका तो है ही है, लेकिन संपूर्ण समाज की भी भूमिका है। राष्ट्र रहेगा तब जाकर हम रहेंगे, हम स्वयं ठीक रहें आवश्यक है, लेकिन हमारे स्वयं के ठीक रहने से पर्याप्त नहीं, हमारा परिवार भी ठीक रहना चाहिए। परिवार में कोई भी छोटी सी भी किसी के अंदर कोई कमी आती है तो उसके परिणाम, दुष्परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, और केवल परिवार ही ठीक रहेगा तो भी नहीं चलता है, तो समाज भी ठीक रहना चाहिए। स्वयं को ठीक रखना, परिवार को ठीक रखना और समाज को ठीक रखना, ये सब प्रकार की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के निभानी पड़ेगी। इस दृष्टि से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, 5 काम ऐसे हैं जो हम में से हर एक को आने वाले समय में करना है। पहला जो है हम सबको करना है, अपने घर से प्रारंभ करना है, वो है कुटुंब प्रबोधन।
परिवार का प्रबोधन करना हम सब। अपना परिवार संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज भी है, बहुत से हैं। भारत का वैशिष्ट्य था ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था। घर में दादा दादी चाचा चाची सब मिलकर के रहते थे। जम्मू कश्मीर में एक परिवार में, बड़ा परिवार, अपने कार्यकर्ता मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा देश को एक रखना है तो परिवार को एक रखना हम शुरू करें। परिवार एक होगा तो देश एक हो जाएगा। परिवार साथ नहीं रह सकते ठीक है, लेकिन परिवार एक रह सकता है। छत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका सीना एक होना चाहिए। सबके अलग अलग स्थान हो सकते हैं किंतु सब एक रह सकते हैं, एक हो सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। गुलाम भारत के अंदर कलकत्ता उसकी राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे यहाँ के लॉर्ड कर्जन। आशुतोष बाबू श्याम प्रसाद मुखर्जी के पिताजी बड़े शिक्षाविद थे। उनको कहा आशुतोष बाबू जाओ इंग्लैंड जाओ, कुछ डिग्री लेकर आओ, कुछ सरकार के भी काम करके आओ। आशुतोष बाबू का उत्तर था मुझे माँ से अनुमति लेना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन ने कहा मैं इस देश का गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, वायसराय बोल रहा हूँ, फिर भी तुम कहते हो माँ से पूछना पड़ेगा, क्या तुम्हारी माँ मेरे से भी बड़ी है? तो आशुतोष बाबू का उत्तर था मेरी माँ का दर्जा आपसे कई गुना बड़ा है, शायद आप इसको नहीं समझ सकते। माँ से अनुमति मिली तब जाकर आशुतोष बाबू विदेश गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के सब प्रकार से सूत्रधार विदेश गए थे पीएचडी करने के लिए। माँ बीमार पड़ गई, तार गया, उसने टिकट कर लिया वापसी का। उनके मित्रों ने कहा जयप्रकाश जी फिर कब आओगे विदेश, कब तुम्हारा पीएचडी पूरा हुआ, पीएचडी कर लो ना। घर के लोग डॉक्टर वहां के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो देखेंगे, माँ की चिंता करेंगे। जयप्रकाश जी ने कहा मेरा पीएचडी मेरी माँ से बढ़कर के नहीं है, इस समय माँ को मेरी आवश्यकता है, मैं जाऊंगा माँ की सेवा करूंगा। वे वापस आ गए, माँ की सेवा की आखिरी समय में। उनको जीवन का समाधान था, पीएचडी नहीं हो सका, लेकिन माँ के साथ आखिरी समय में रहने का उसको एक संतोष था। ये संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा, घर के परिवार के मूल्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए आवश्यकता है परिवार प्रबोधन की। ये दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने घर से शुरू करने की आवश्यकता है। मेरे परिवार के अंदर श्रेष्ठ मूल्य, जीवन मूल्य, मिलकर के रहना, ये छोटी छोटी बातें कैसे विकसित हो, कैसे आवे, इसके लिए परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम कम से कम शुरुआत में सप्ताह में एक दिन सामूहिक पंगत, सामूहिक संगत, सामूहिक भजन, सामूहिक भोजन, यहां से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे परिवार में आगे और भी अच्छी बातों को धीरे धीरे लागू करते जाना सबकी सहमति से, ऐसे परिवार प्रबोधन हम सबको अपने घर से प्रारंभ करने की आवश्यकता। दूसरा एक विषय है छोटे बड़े का भेद। हमारे देश में किसी भी ग्रंथ में किसी भी महापुरुष ने इसको मान्यता नहीं दी है। भगवद गीता के अंदर भी अध्याय 9 के श्लोक 30, 31, 32 में हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपि चेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्य व्यवस्थितो। अतिशय दुराचारी भी मेरा ध्यान करता है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। शीघ्रातिशीघ्र मुझे को प्राप्त हो जाता है। तो अपने यहाँ शास्त्रों में कहीं पर भी इसका मंडन नहीं है, लेकिन कालांतर में हमारे अंदर ये कमियां आई, विकृति आई। अब उसका रोना रोने से फायदा नहीं, हम में से हरेक को इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अपने घर से स्वयं के उदाहरण से परम पूज्य बाला साहब देवरस ने माताजी से कहा माताजी मेरे मित्र आएंगे भोजन करने के लिए, भोजन कराओगी ना? हाँ कराऊंगी, कहाँ बैठाओगी? बरामदे में। पूज्य बाला साहब जी ने कहा मैं भी कल से बरामदे में करूंगा। माताजी को ध्यान में आएगा पहले अपने घर में माताजी का परिवर्तन किया। माताजी ने कहा ठीक है बेटा, जो तू जहाँ चौके में बैठकर भोजन करता है वही मैं भोजन कराऊंगी, उनके जूठे बर्तन भी दूंगी। पूज्य बाला साहब देवरस अपने घर से समरसता का संदेश देते हैं, तब जाकर पूना के वसंत व्याख्यान माला में कहते हैं
अस्पृश्यता पाप नहीं तो दुनिया के अंदर कुछ भी पाप नहीं। अपने घरों से अपने घर में छुआछूत नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी जाति के आधार पर छोटे बड़े का भेद खत्म होना चाहिए। इस बीमारी ने अपने देश का अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है, आज हमको अपने घर से इसको प्रारंभ करने की आवश्यकता है। मेरा घर समरस घर बनेगा, मेरे घर में किसी भी प्रकार छोटे बड़े छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा, इसका हमको अपने जीवन में उदाहरण के तौर पर आचरण के तौर पर करके बताने की आवश्यकता है। तीसरा विषय पर्यावरण का है। हम 9 दिन नवरात्रि का कालखंड रहता है, भोजन के अभाव में रह जाते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री भी 9 दिन उपवास करते हैं, लाखों लोग रहते हैं, कुछ लोग पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं। कोरोना के सेकंड वेव में हम लोगों ने अनुभव किया होगा, अपने रिश्तेदार लाखों लाख बंधु अपने संगठन के भी हमको खोना पड़ा है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन हम तो तैयार नहीं करते, ऑक्सीजन तो देते हैं पेड़ पौधे वनस्पति जगत देते हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको जीवन उपयोगी बनाकर हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूल बना करके पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रकृति के अंदर हरियाली बढ़ाना, पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाना, पानी का अनावश्यक अपव्यय रोकना, ऊर्जा बचाना, ऐसे पर्यावरण के बहुत सारे डायमेंशन हैं। लेकिन पानी है, सिंगल यूज पॉलीथीन है और पेड़ है, ऐसे 3 विषय के बारे में हमको अपने घर से प्रारंभ करना है। हम जिस कैंपस में, उस कैंपस को हरा भरा कैसे कर सकते हैं, हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं वहाँ भी हरियाली कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने घर से लेकर कैंपस तक सब जगह हरियाली बढ़नी चाहिए, इसके बारे में हमको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। 4th विषय है स्व का भाव, स्व का जागरण, स्व का स्व की चेतना को जगाना। स्व यानी केवल विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना यहीं तक सीमित नहीं है, तो स्व ये बहुत बड़ा विषय है। अपनी भाषा, अपना खान पान, अपनी संस्कृति, अपने एंसेस्टर्स, रहन सहन, ये सब स्व के भाव को सुरक्षित रखने का काम हमको अपने से करना पड़ेगा। हम हस्ताक्षर करते हैं, मातृभाषा में कर सकते हैं ना, निमंत्रण पत्र भेजते हैं, हम मातृभाषा में निमंत्रण पत्र भेज सकते हैं ना, हम अपने घरों के सामने फलक लगाते हैं, फलक मातृभाषा में लिख सकते हैं ना, ऐसी कई बातें पहल करने की आवश्यकता है। आचार्य रघुवीर विदेशों का भ्रमण करके जब अपने देश में आए तो दिल्ली के क्लब ने उसका अभिनंदन कार्यक्रम रखा। गए आचार्य रघुवीर, वो सब अंग्रेजी में संचालन कर रहे थे। आचार्य रघुवीर ने कहा, आप में से कोई विदेश गया है क्या? तो क्लब के एक सदस्य ने कहा, अभी अभी 1 हफ्ता पहले मैं विदेश घूम करके आया हूँ, जापान घूम के आया, जर्मनी घूम के आया। वहाँ क्या अंग्रेजी में बोलते हैं कि किस भाषा में बोलते हैं? उन्होंने कहा, नहीं जी, जर्मनी में तो जर्मन भाषा में और जापान में जापानी से बोलते हैं, आप क्यों अंग्रेजी में बोलते हो? मेरा कहने का मतलब, अंग्रेजी से विरोध नहीं, किंतु अपनी भाषा का, अपने स्व का गौरव, अपने स्व का अभिमान अपने जीवन में चाहिए, ये है स्व। इसके प्रति सजगता, इसके प्रति जागरूकता, इसके प्रति अपने जीवन में आचरण बढ़ना चाहिए। और 5वां विषय है, वो है नागरिक कर्तव्य है। एक नागरिक के नाते देशभक्ति के प्रकटीकरण का सबसे प्रभावी और सरल माध्यम जो है वो है नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य। हम एक नागरिक के नाते, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है, हमारे कोई कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना है, जो नियम है संविधान सम्मत उसको पालन करना है, ऐसी कई बातें हैं जिसको हमको पालन करना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हम सब जानते हैं, उनका जीवन बहुत साफ सुथरा, सादगी पूर्ण उनका जीवन। यात्रा करते थे रेलगाड़ी में, एक ट्रांजिस्टर रखा करते थे समाचार सुनने के लिए। रेलगाड़ी में यात्रा करते करते समाचार का समय हो गया, तो अपने सहयात्री को कहा, आपके पास ट्रांजिस्टर है क्या? बोले, हाँ है। आप समाचार का समय हो गया, ट्रांजिस्टर चालू कर सकते हैं क्या? तो सहयात्री ने कहा, आपके पास भी तो रेडियो है, आप क्यों चालू नहीं कर सकते? उन्होंने कहा, मेरे पास रेडियो तो है लेकिन मैं चालू नहीं कर सकता। सहयात्री ने कहा, क्या बैटरी खत्म हो गई है या रेडियो खराब हो गया है? नहीं, रेडियो भी ठीक है, बैटरी भी ठीक है, फिर क्यों चालू नहीं कर सकते? दीनदयाल जी का उत्तर था, मेरे पास रेडियो है, बैटरी है, किंतु उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है।
उस समय लाइसेंस को नवीनीकरण कराना पड़ता था पोस्ट ऑफिस से, वो रेडियो तब उसका उपयोग कर सकते थे, उपयोग कर लेते तो कोई देखने वाला भी नहीं था। किंतु पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, यात्रा के दौरान नवीनीकरण का समय खत्म हो गया है और मैं यात्रा में हूँ, जब तक इसका नवीनीकरण लाइसेंस को नया नहीं बना लूंगा तब तक के मैं इसका उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं। यहां तक के नियमों के पालन के बारे में अपना स्वभाव बनना, नागरिक शिष्टाचार, यह विषय है। हम सबको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, स्वच्छता से लेकर सब प्रकार की बातें, ये सब उसी के अंतर्गत। ऐसे पांच बातें जो है आने वाले संघ के 100 वर्ष में हम में से हर एक को जो करना है, हर एक नागरिक को, हर स्वयं से को करना है। परिवार अपने घर में, परिवार प्रबोधन, अपने घर से सामाजिक समरसता, अपने घर से पर्यावरण के संबंध में प्रयास, अपने घर से स्व के भाव, उसके बारे में आचरण व्यवहार बढ़े, अपने घर से ही नागरिक शिष्टाचार का प्रयोग प्रारंभ हो। समाज में तो होना ही चाहिए लेकिन अपने घर से भी प्रारंभ हो। ऐसी पांच बातों को हम सब ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से हम केवल उपदेश करता नहीं तो हम उसको जीवन में उतार कर बताने वाले ऐसे बनेंगे। आज संघ का काम सर्वदूर बढ़ रहा है लेकिन देश बहुत बड़ा है, देश के सामने प्रश्न भी बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं। एक तरफ सकारात्मक वायुमंडल भी दिखाई देता है तो दूसरी तरफ देश को कमजोर करने वाली शक्तियां भी कई प्रकार से, कई रूपों में दिखाई देता है। हम सबको बहुत सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है। अपना कार्य भी बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में मंडल तक अपने कार्य को ले जाना, नगरी क्षेत्रों में अपने हर बस्ती उपबस्ती तक अपने कार्य को ले जाना, अर्थात अपने कार्य के माध्यम से ही प्रश्नों का हल करने वाले ऐसे हम सब लोग हैं। हम सब केवल समस्या का रोना रोने वाले, समस्या का बखान करने वाले से नहीं तो समस्या समाधान करने की दिशा में पहल करने वाले हम सब लोग हैं। यह तभी होगा जब अपना कार्य प्रभावी ढंग से बढ़ेगा, व्यापक रूप से बढ़ेगा। आज सारी दुनिया की दृष्टि भारत की ओर है, भारत के अंदर सबको लगता है कोई ना कोई एक आशा दिखाई देती है, क्योंकि जब कोरोना हुआ तो भारत ही ऐसा देश था दुनिया को सस्ते दामों पर वैक्सीन दिया, 100 से अधिक देशों पर 206 रुपए में कोविशील्ड और कोवैक्सीन देने वाला देश भारत था। यमन के अंदर युद्ध चल रहा था तो 48 देशों के 900 से अधिक नागरिकों को भी सुरक्षित लाने वाला देश भारत था। रूस यूक्रेन युद्ध में भी 18 देशों के 147 नागरिकों को भी सुरक्षित लाने वाला भारत ही था। श्रीलंका को सहायता करने वाला, नेपाल को सहायता करने वाला, ऐसे सब प्रकार के संकटों में सहायता के लिए खड़ा रहने वाला देश भारत है। इसलिए भारत की तरफ आशा भरे दृष्टि से लोग देख रहे हैं। हम लोग एक स्वर्णिम काल खंड में, राम मंदिर का संघर्ष गत 500 वर्षों से चल रहा था, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, अनेक साधु संतों ने आहुतियां दी, उनके जीवन में यह प्रसंग नहीं आया, हमारे जीवन में आए हैं। राम मंदिर का शिलान्यास भी हमने देखा और अभी अभी आने वाले समय में 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए उनके अपने स्वयं के स्थान में हम देख सकेंगे, कितना सौभाग्यशाली क्षण होगा। धारा 370 के लिए अनेकों संघर्ष हुए, सत्याग्रह हुए, उनके जीवन में प्रसंग नहीं आया धारा 370 खत्म होते हुए देखने का, हमारे जीवन में आया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारे चंद्रयान को जाते हुए देखने का स्वर्णिम पल, दुनिया का पहला देश यह देखने का क्षण हमारे जीवन में आया है। संघ के 98 वर्ष काम करते करते कई लोग खप गए कि उनके जीवन में संघ की शताब्दी देखने का, करने का अवसर नहीं आया, हमारे जीवन में आया है। ऐसे स्वर्णिम कालखंड में हम सब हैं। भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए, दुनिया चाहती है। भारत शक्तिशाली राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदू समाज बलशाली और संगठित होगा। हिंदू समाज बलशाली और संगठित कब होगा? जब देश के अंदर हर मंडल और हर बस्ती तक संघ कार्य का जाल खड़ा होगा। और ये कब खड़ा होगा? जब हम में से लाखों लाख तरुण
देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए समय देने वाला बनेंगे, अपने कार्य का विस्तार करने वाले, दृढ़ीकरण करने वाला बनेंगे। आज इसकी आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, जीवन देने की आवश्यकता है। यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा खो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई, अगणित सीताएं अपृत है, महावीर निजको पहचानो, अपमानित द्रुपदाएं कितनी, समरशीर सर को संधानो, अलक छेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष, फिर से जागो क्षत्रियत्व विक्रम के, जागो चणक पुत्र के निश्चय जाओ। यह धरती तो आचार्य चाणक्य की धरती है, जिसने संकल्प लिया था नंदवंश के समूलोच्छेदन के बाद इसी का बंधन करूंगा। ऐसे दैवी संकल्प हम लोगों को भी धारण करने की आवश्यकता है। हम में से हरेक कार्यकर्ता, हरेक युवा, हरेक नागरिक देश के लिए जीवन रहेगा, देश के लिए काम करना होगा, देश के लिए काम करूंगा, अपने दिनचर्या में से, अपने सब प्रकार के कामों में से कुछ न कुछ समय इसके लिए निकालना होगा, देश रहेगा तो हम रहेंगे, इस प्रकार का भाव सबके अंदर खड़ा होना आवश्यक है, तब जाकर देश का भवितव्य, देश का चित्र हम सबके सामने एक और अच्छा सुंदर चित्र हमको दिखाई देगा। हमारा कार्य तो ईश्वरीय कार्य है, ये तो होने ही वाला है, हम सब निमित्त बने हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अधिक ज़्यादा न कहते हुए, हम सब लोग देश प्रथम को, देश को प्रथम मानकर, राष्ट्र प्रथम मानकर, अपने जीवन में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ करने का एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चलने वाले प्रयत्न, उन प्रयत्नों को भी हाथ लगाने वाले हम बने, उनको भी सहायता करने वाले हम सब बने, और प्रत्यक्ष कार्य करने वाले भी बने। इस प्रकार से एक हम यहाँ से विचार लेकर के जाएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए, हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई जूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने, एक हाथ में प्रलय दूसरे में सृजन लिए चलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, इस राष्ट्र भक्ति के ज्वार को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करना यह आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर भारत माता की जय तो गूंज रही है, भारत के हर अंतःकरण में भारत माता की जय गूंजे, इसके लिए हम सब लोग आगे बढ़े। इतना ही निवेदन करते हुए, प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों ने समय दिया, धैर्य पूर्वक विचार सुने, इसके लिए आप सब बंधु बहनों का साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ध्वजावतरण के समय सभी महानुभाव भगनी बंधु खड़े हो जाएंगे। सावधान, प्रतिष्ठा।